के चक्रों में देखें, इतने मच्छरों में, इतने पखाने में मैं और मेरा दोस्त डाकू दिलबर जानी खड़ा हुआ यहाँ पे। यार मैं यो ब्रो ब्रो वो सबसे मैं क्या बन के आई हुई हूँ लड़का। बच्चों को तो मेरे ख्याल से इनके रंग ऐसे नहीं थे कि क्या स्याह हुए पड़े हैं। पापा भी साथ 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 हमारे हर चीज में मुलविस। छूट के लिए क्या क्या करना पड़ता है। स्मेल तो आ रही है, गर्मी है गाइस। मेरी तो बेचारी मूछे भी खुश्क होकर गीली होकर गिर गई। Assalamualaikum everyone, welcome to astrology. This is me, Krakawal. मौसम बड़ा प्यारा है। Welcome to another vlog. और Krakawal आज आपको अपने अब्बा के कपड़ों में नजर आ रही क्योंकि मैं हूँ एक अदद कैरेक्टर में और अभी मैंने कैरेक्टर में आना है क्योंकि फातिमा की ईद की वीडियो शूट होनी है। तो उसके लिए उसमें Krakawal को भी कहता है ना अच्छा सा कैरेक्टर मिला, तो बस हम उसी के शूट के लिए निकल रहे हैं। और सर पे बांधूंगी मैं ये एक अदद साफा और मैंने क्या बनना है कैरेक्टर ये तो आपको उसकी वीडियो देख के पता चलेगा। लेकिन अपनी ट्राई मार रही हूँ बाहर, वो मेरा इंतजार कर रही है सारी। एंड देन आई विल शो यू प्लेस मे मॉम कपड़े वड़िया वड़िया नहीं पहनेंगे तो क्या पहनेंगे बताए। मैं कैसा लड़का लग रही हूँ, लग रही हूँ बकरे वेचन वाला प्रॉपर मुंडा। नहीं यार ब्लशन कौन लगाते है। तो ये वधिया दुपट्टा अम्मा का हम लोग निकाल देंगे वापस और हम आएंगे अपने कैरेक्टर में। बाकी सब एज यूजुअल कैरेक्टर में, मेरा आज कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट है तो मैं उस हिसाब से आपको सारा दिखाऊंगी। मुझे तो लग रहा है मैं किसी की वो लग रही हूँ, शाह शाह शहनशाह। एक मिनट, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियोस और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूं। चलें जी, ये मानो भी हमारे साथ। मानो ढूंढने आई है मेरे लिए मूछे फटाफट। आपके लिए मूछे अपना काम करने है। नहीं मेरे लिए मूछे ढूंढो। फातिमा ने कहा मूछे लगानी है, अब इस कैरेक्टर में लगनी है साथ में मूछे, तो मैं मूछे ढूंढ लूं। ब्लशन थोड़ा लाइट करूं वरना कैरेक्टर से हट जाऊंगी मैं। मानो मूछे क्या लेके जा रही हो? मैं तो बस ये लेने आई थी। तुमने खुद कहा है कि मैंने पता नहीं हमें मूछे नहीं मिल रही हैं यहाँ पे। मैं कैरेक्टर में क्या, मम्मा दुपट्टा वो दे देना ये अगर नहीं लेना तो। क्या कह रही हैं? मूछे की नहीं लानी है मैंने तो इसी चलो। मम्मा मूछों के बगैर कौन सा बकरा बेचने वाला होता है? होते होंगे लेकिन मैं लड़का नहीं लगूंगी उस तरह, ये क्या बात होती है। तो ये मम्मा ने पता नहीं कौन सा क्या मैं कहूँ 1994 का दुपट्टा निकाल के दे दिया मुझे। क्या मतलब पेंसिल से? मम्मा ग्रे कलर की मूछे लगानी है मैंने, मुझे नहीं पता मुझे मूछे चाहिए। मैं वैसे भी इकरा नकली लड़का ही है सबको। मम्मा नहीं उसे पूछे कि कहाँ है मूछे। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये बाल में हाइड कैसे करूंगी। तो पहले आपने बालों को यूं करना है, ठीक है, सारे बालों को। लोग ये हम बनाएंगे इसकी टर्बन, ठीक है। ये हमने लिए अपने बाल बांध। अब मैंने ये दुपट्टा जो मेरी अम्मा ने 1912 का दिया उसको ऐसे पकड़ के ऐसे करके बांधूंगी। ये मैं बनी हूँ साफा पहन के, लड़का मेरे बाल नहीं छुपाने मैंने। ये होगी हमारी पंजाबों की वो पग, ऊपर से नीचे कर लो थोड़ी सी। ओ पाजी तो जो पग वाला आदमी वो क्लीन शेव है ना? नहीं फिर मुझे इससे बनानी पड़ेगी और थोड़ी क्या? सी बस हल्की सी ब्लैक ब्लैक कर लो ताकि शेव लगे। अब मैं बनाने लगी हूँ शेव लगे। चलो अब ये बाबा फ्रेंच वाला बनेगा क्योंकि सूट करता है ना बकरा महंगा बेचूंगा ना। इतना मेकअप थोप लिया, इतना प्यारा लड़का बन गई है। तो मेरे कहना हम बकरे के छोड़ के आप लेके जा रहे हैं। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। लाइट बंद करो। ओके यहाँ पे रेडिंग हुई हुई हूँ। ये हैंडसम बॉय देखे यहाँ पे बैठा हुआ है। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही है। नहीं मिली नहीं मुझे। चलो कोई बात नहीं। चलो जी ये बाकी हमारे दो मुंडे आगे बैठे हैं। चलो मानो जगह खाली करो। ये इतने सारे बच्चे यहाँ पे तशरीफ ला रहे हैं और पता नहीं कितने सारे। ओए अल्लाह प्यारा है बेटा इनका, बच्चों को सबसे। मैं क्या बन के आई हुई हूँ लड़का? वो देखें जरा प्यारी गाय। बच्चों को तो मेरे ख्याल से इनके रंग ऐसे नहीं थे कि क्या स्याह हुए पड़े हैं बच्चे चरा चरा के। यहाँ पे हम लोग आए हैं और मेरे पैरों पे ये देखे क्या लग चुका है इसको। उफ अल्लाह मियां क्या करूँ मैं। यहाँ शॉर्ट करने के लिए आए हैं और मेरी मम्मा यहाँ पंखा चला के अपने बाल शाल बच्चों से बातें कर। मम्मी हमारे घर के दो अदद बकरे यहाँ पे हैं शूट के लिए बेचारे। वो देखो ये दो और प्यारे बकरे आ गए जी। टोटल है हमारे इस वक्त पापा भी साथ 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 हमारे हर चीज में मुलविस। क्या हुआ मम्मी में?
हाँ जी मानो ध्यान से, ये क्या कर रही हो? और मैं यहाँ पे एक बकरे बेचारे की रस्सी पकड़ के बैठी हुई हूँ यार, के डैडी भी वो फुल गर्मी में उधर बैठे हुए, क्योंकि ये हमारी शूट की लोकेशन थी तो यहाँ पे हमारा शूट चल रहा है। अभी ये घर जाएंगे तो घर जाके हीरा देखेगी इन बकरों को, अब इनके साथ हम प्रॉपर नाम रखेंगे घर जाके इनके प्यारे प्यारे बकरों के। ये हमारे बकरे हैं के चक्रों में देखें, इतने मच्छरों में, इतने पखाने में मैं और मेरा दोस्त डाकू दिलबर जानी खड़ा हुआ यहाँ पे यार। मैं ब्रो ब्रो शूट के लिए क्या क्या करना पड़ता है, स्मेल तो आ रही है, बहुत गर्मी है गाइस, मेरी तो बेचारी मूछें भी खुश्क होके गीली होके गिर गई। क्या अंकल को वहां से दुबा जानी आ रहा हूं अंकल, प्लीज 60,000 का एक बकरा दे दो अंकल। अंकल आप मुझे कैसे टच कर रहे हैं, बाकी बकरे में क्या जाके। ओके अंकल जानी तू अंकल को कंपनी दे, मैं आता हूँ ठीक है जानी। ये मेरा मुझे भी लेना। ये देखे हम बनाएंगे इस वीडियो को 0.5 एंगल में, ये देखें जी वाओ ये हमारी मेमाज। आज तो हम तो भाई मेरे पैर पे भी गोबर लग गया है शूट करते करते। ओए अल्लाह नो नो आराम से, तो इन्होंने चलना नहीं है, भगाना है, भागना है इन्होंने। देखो बकरों के साथ तो जैनब की टॉकिंग चेक कर रहे हैं आप, क्या तुम क्यों बीच में घुसो, जैनब प्यार से ट्रीट करते हैं बकरों को, कुर्बान हो जाना उन्होंने वरना फिर सुसु कर देंगे तुम्हारे पाँव पे। इसने किया था इसने छोड़ दिया। राबिया को तो बड़ा मजा आ रहा होगा। आप ही मैंने और हमने कंपटीशन करना है क्या के कौन ज्यादा हैंडसम लड़का है। ओह कहता घर आके देखते हैं सबसे वोट लेते हैं, सबने मेरे पे वोट देना मैं मारूंगी पढ़ना, सबने जाए तुमने भी कहना राबिया ठीक है मैं भी कहूंगी ओके। आप लोग भी बताएं कमेंट में कि अंकल कैसा लग रहा है आज का, ये अंकल क्या इस बकरे ने मेरी अम्मा को बहुत भगाया आज। प्यारी जरीला को पत्ता ना खिला देना, पट्टे ही खिलाओ उसको। बाहर शॉर्ट वर्ट तो जारी हैं अपने, चल रहे हैं सब चीजें चल रही हैं, और मेरी गर्मी से इतनी शदीद बुरी आदत हो रही है कि मैंने मुझे अपनी बड़ी मुश्किल से साफ किया, मुझे लग रहा है कि मेरा अभी भी यहाँ पे निशान पड़े होंगे। और सो गाइस उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग और मेरा गेटअप बहुत पसंद आया होगा। मेरा ये कैरेक्टर था, मेरा ये गेटअप था, तो मैं चाहती थी कि मैं अपनी ऑडियंस को दिखाऊं कि मैंने इस गेटअप में किस तरह से हम लोगों ने शूट किया। सो उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा कि हम इस तरह का अच्छा अच्छा कॉन्टेंट आप लोगों के लिए लेकर आते रहें, और लाइक शेयर कॉमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, लोगों से भी शेयर करें इस चैनल को जितना हो सकता है, और किस तरह की वीडियोज चाहते हैं ये भी कॉमेंट में जरूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, एंड लॉट्स ऑफ लव एंड प्रेयर फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी। ये जो बकरा है, ये जो मेमा है, ये मेरे साथ जो है ना बहुत फ्रैंक होता है, बहुत फ्रैंक हो रहा है मेमा।